हे नमस्कार साथियों, आप बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आपको अपने चैनल एजुकेशनल पॉइंट के ऊपर में आने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कल चक्कर यहाँ पे ये थी कि कहा गया था कि 12 से फॉर्म आप लोग की भराएगी, लेकिन कहीं भी ये कोई खबर नहीं है 12 से फॉर्म भराने की, ना तो अभी तक कोई लिंक वेबसाइट पर आई है। लेकिन दोस्तों चिंता मत करो, आपका रोशन इस वीडियो में सभी का सोल्यूशन लेके आया है। अब देखो क्या है कि हर छोटी बड़ी बात बताऊँगा, ठीक है। मैं और किसी की तरह मैं 10 वीडियो नहीं बनाऊँगा, बस एक ही वीडियो में जितनी भी कंक्लूजन मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं पूरा मामला समझते हैं। देखिए पूरा मामला यहाँ पर ये है कि सबसे पहले पाटलिपुत्र ने जारी किया कि आप सभी को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस दिया जाता है कि 12 तारीख से आप लोग की एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन भराएगी, और उसके बाद एग्ज़ाम शेड्यूल भी जारी कर दिया गया ताकि 5 मई से आप लोग की एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगी। अब कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोशिश किया कि इसको कैसे मैं कंप्लीट करूं, या फिर 12 तारीख से मेरा फॉर्म भराएगा तो मैं कहां से लिंक लूं, या फिर क्या है ऑफलाइन या ऑनलाइन, या फिर कितने सारे ऐसे कमेंट है जो मेरे पास पड़े हुए हैं जो आप लोग कमेंट किया था, यहां तक कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम आईडी पर भी पूरा पूरी कोशिश की थी कि बता दूँ। लेकिन दोस्तों अब मैं देखिए मानस समझता हूँ यहाँ पर कि जब 12 तारीख को जब आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने अपना दिया था नोटिस जिसमें कहा था कि 12 तारीख से आप लोग की फॉर्म भराई जाएगी, लेकिन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ये देखा कि अभी एक तो होली की छुट्टी चल रही थी, ऊपर से क्या है कि न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, और थर्ड क्या यहाँ पर बात यहाँ पर ये है कि कितने ऐसे व्यक्ति या फिर कितने ऐसे हैं जो कि अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं किए हैं, और चौथा बात यहाँ पर ये है कि आप लोग कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन लेकिन आप लोग को स्लिप नहीं मिला है। अब बिना स्लिप का अर्थात सुनो दोस्तों, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का आप लोग को सिर्फ अभी फॉर्म नंबर मिला है, ठीक है। आप लोग को अभी रजिस्ट्रेशन मतलब मिला नहीं होगा, बिना उस स्लिप का बिना नंबर का आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो एग्ज़ाम फॉर्म के लिए, कैसे आप लोग जा सकते हो। इसलिए पाटलिपुत्र ने सबसे पहले नोटिस दे दिया था कि 11 तारीख के बाद जो भी व्यक्ति है वो जाकर 11 तारीख के बाद जाकर कॉलेज से अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप जाकर ले ले, तभी आप लोग की अप्लाई होगी। लेकिन दोस्तों 11 तक तो स्कूल्स कॉलेज सभी बंद थे, अब 11 से मतलब कि आज 12 तारीख तो आज खुली है, तो आज जितने व्यक्ति है जाकर कॉलेज से ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी और हो गई है कि कॉलेज में मतलब कि आप लोग की स्लिप भेजी ही नहीं गई, ठीक है। आप लोग शायद मेरी बात समझते हो समझते, मेरी बात नहीं समझ रहे हो तो मैं फिर से बोलना मैं समझा दूंगा। आप लोग स्लिप अभी नहीं भेजी गई है, और इन्होंने एक अपना नोटिस यहाँ पर बोर्ड में यहाँ पर बता भी दिया था। फिलहाल यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है ना एग्जामिनेशन नोटिस, उसके लिए फिल एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर में मैं आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या है। देखिए दोस्तों कि आप लोग को यहाँ पर यह भी नोटिस दे दिया गया था, आप लोग को मैं नोटिस ही दिखा देता हूँ। देखिए उन्होंने कहा था कि द ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर डिग्री पार्ट वन शैल बिगेन फॉर्म 12 तारीख से आप लोग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट जाकर ले सकते हैं स्लिप, रजिस्ट्रेशन स्लिप पहले लेना पड़ेगा तभी आप वेरीफाई के बाद 11 के बाद जाकर ले सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स ये स्लिप एक्चुअली में आपको किसी भी कॉलेज में भेजा नहीं गया था छुट्टी के कारण। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि पाटलिपुत्र ने अपने नोटिस ये भी दे दिया है कि जिन लोगों को कॉलेज में नहीं मिल रहा है या फिर कॉलेज में उनको दे ही नहीं रहा है तो उनका एक उपाय और है, वो ये है। सुन सबसे पहले दोस्तों आपको जानी पड़ेगी पाटलिपुत्र की मेन वेबसाइट पर, मैं सब घुमा देता हूँ। और यहाँ देखो लिखा हुआ है फिल UGPG रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। आपको इस पर फ्रेंड्स क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पहुँच जाओगे, और यहाँ देखो उन्होंने एक नोटिस दे दिया था, नोटिस के साथ में यहाँ दिया था रजिस्ट्रेशन फॉर रीपे और रजिस्ट्रेशन फॉर पेमेंट फिल UGPG रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नोटिस और रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्लिप का यहाँ पर नोटिस उन्होंने दे दिया था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर करने के बाद में उन्होंने कहा था कि अगर आपको नहीं दे रही है कॉलेज तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आकर यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से रिसीप्ट अपने ले सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रिसीप्ट लेने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर जो है दोस्तों फॉर्म नंबर डालनी है, जो फॉर्म नंबर आपको होगी वो आपको प्रिंट आउट में आपके पास ऑलरेडी पहले से होगी, वो फॉर्म नंबर यहाँ डालिए और यहाँ कैप्चा कोड डालिए, आपके सामने आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप निकल के आ जाएगी, ठीक है। रिसिप्ट निकल के आ जाएगी, वही रिसिप्ट आपको मिलने, यहाँ देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी कि PPU ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट रिसिप्ट, देखा लिखा है मैंने रिसिप्ट के बारे में, यहाँ रीपेमेंट नहीं है रिसिप्ट के बारे में है। तो फ्रेंड्स इस पर क्लिक करके आपको अपने रिसिप्ट लेनी है बिना कॉलेज जाए हुए। उसके बाद दोस्तों आज 12 तारीख हो चुकी है, ठीक है, आज माफ़ करना आज हो चुकी है 13 तारीख, और आज किसी वक्त आपको ऑनलाइन फिलिंग की आ जाएगी। अगर आज नहीं आएगी तो कल तक आपको आ जाएगी, और कल इसके लिए पाटलिपुत्र नोटिस भी आपको जारी कर देगी, यही सॉल्यूशन है इसका। तो फ्रेंड्स अगर आपको कॉलेज में भी नहीं मिल रही है तो फिलहाल दोस्तों यहां से आप अपना फॉर्म नंबर डालकर अपना दोस्तों अपना अप्लीकेशन नंबर मत डालना, यहां फॉर्म नंबर से ही खुलेगी, तो अपना फॉर्म नंबर डालकर आपको वो पेमेंट की रिसिप्ट अपने पास रख लेनी है। आज
किसी वक्त अगर आती है तो मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा, अगर नाज नहीं आएगी तो कल आपको सुबह सुबह या फिर किसी वक्त नोटिस जारी कर देगी पाटलिपुत्र कब लेने वाला हूँ, इसमें कोई भी चिंता की दोस्तों बात नहीं है। और जो एग्जाम की डेट होगी मैं दोस्तों वो भी बता दूंगा। अगर दोस्तों किसी भी चीज़ के बारे में आपको वीडियो बनवाना है या फिर किसी के बारे में समझना है तो आपको आना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ मैसेज करनी पड़ेगी, मैं वहाँ आपको जो भी होगा वहाँ मैं बता दूंगा आपको। और फिलहाल दोस्तों आज इतना ही, देता हूँ विदा, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। अगर पाटलिपुत्र की हर छोटी बड़ी खबर चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। गुड बाय।